हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने हॉस्टल वर्सेस पीजी में हॉस्टल की बात करी थी तो इस वीडियो में हम लोग पीजी के बारे में जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फूड की बात कर लेते हैं फूड में आपका ब्रेकफास्ट रहता है लंच रहता है स्नैक्स कभी कभी आपको मिलता है कहीं कहीं पे मिलेगा अदरवाइज चाय तो रहती है एंड डिनर आपको मिलेगा उसके बाद जो आपका लंच होता है वो आपको कॉलेज में नहीं प्रोवाइड किया जाता है वो आपको ब्रेकफास्ट जो आपने खाया है वही आपको पैक करके अपने लंच में लेके जाना पड़ेगा अगर आपका मन है तो एंड टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एज कम्पेयर टू हॉस्टल पीजी में फूड की क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है इन डिफरेंट डेज पे डिफरेंट मेन्यू रहता है अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की हॉस्टल में तो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है आपको बस या कैब प्रोवाइड होती है जो कि आपको कॉलेज पहुंचाती है आपको मार्केट लेके जाती है बट पीजी में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है आपको अपना कन्वेंस खुद देखना पड़ता है आप कॉलेज कैसे जाओगे वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा एंड अगर आप अपना कोई भी व्हीकल अपने घर से पीजी लेके आते हैं तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी अदरवाइज आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑटो वाले आपको ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं एंड आपको एरिया के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं होगी अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो आपको पीजी में सीसीटीवी कैमरास तो मिलेंगे बट आपको कोई भी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं मिलेंगे आपको वार्डन एन मिलेंगी बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 24/7 आपके पास अवेलेबल रहें अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आई विल प्रेफर कि आप हॉस्टल ऑप्ट करो क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है एंड उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत रहते हैं बट पीजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है अब हम बात करते हैं कि आपको पीजी में क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं तो पहले रूम के अंदर की बात करते हैं रूम के अंदर आपको बेड मिलता है आपको स्टडी टेबल मिलता है चेयर मिलती है अल्मिरा मिलती है फैन मिलता है और अगर आपने एसी रूम के लिए ऑप्ट किया है तो आपको एसी मिलेगा अदरवाइज आपको कूलर मिलेगा अब रूम के बाहर की बात करते हैं सीसीटीवी कैमराज आज मैंने आपको सिक्योरिटी में बताया कि हर फ्लोर पे रहता है उसके बाद आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है कॉमन रेफ्रिजरेटर रहता है कॉमन किचन रहता है हर फ्लोर पे जिसमें आप कुछ भी कुक कर सकते हैं उसके बाद वाटर फिल्टर भी हर फ्लोर पे रगा रहता है जिससे कि आप इजीली जाके अपनी पानी की बॉटल फिल कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं लॉन्ड्री की तो लॉन्ड्री में आपको वॉशिंग मशीन मिलती है जिसमें आपको अपने क्लोथ्स खुद ही वॉश करने होते हैं और खुद ही आयरन करने होते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वॉशिंग मशीन को कितनी बार यूज करना चाहते हैं और किस टाइम यूज करना चाहते हैं अब हम टाइमिंग की बात करते हैं और देखते हैं कि लास्ट एंट्री टाइम कितने बजे तक का रहता है पीजी में For girls, it is still 8 आप 8 तक आपको अपने में रहना है और फॉर टू टेन के बीच में ही अपने पीजी के अंदर वापस आना है तो ये होगी टाइमिंग की बात अब हम देखते हैं कि आपको पीजी में क्या क्या फेसिलिटीज नहीं मिलती हैं. तो आपको पीजी में लाइब्रेरी नहीं मिलेगी आपको जिम नहीं मिलेगा आपको प्लेइंग एरिया नहीं मिलेगा जो कि ये सारी फैसिलिटीज आपको एक हॉस्टल अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। पीजी का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा वो ये क्योंकि पीजी आपका एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड होता है जो कि की पूरा मार्केट प्लेस होता है और वहां पे आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं तो आपके पास पीजी अग, में अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास टाइम भी होता है सो यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स बट यही अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका हॉस्टल एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड होता है जहां पे आसपास मार्केट एरिया नहीं होता है तो आपको इतना एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिलता है क्योंकि आप कॉलेज से आके हॉस्टल अगर हॉस्टल वाले आपको मार्केट लेके जाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो मार्केट उतना ही एरिया एंड टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है एंड देन वापस से आपका हॉस्टल अगर आप पीजी में रहने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि, कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं तो बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की अगर आपका पीजी आपसे सिक्योरिटी मनी ले रहा है तो आप ये बिल्कुल उनसे पूछे कि वो रिफंडेबल है कि नहीं है उसके बाद आप टाइम पीरियड पूछे क्योंकि अगर आप बीच में पीजी को छोड़ के जाते हैं तो वो सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा और अगर आप कोई भी तोड़फोड़ करते हैं पीजी में तो उसका भी सिक्योरिटी मनी आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होता है उससे डिडक्ट होता जाता है उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस चार्ज की कुछ कुछ पीजी मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो ये बेटर रहेगा कि आप पहले से ही सारे पॉइंट्स क्लियर कर ले कि कोई भी एडिशनल चार्ज या कोई भी हेडन चार्ज ऐसा तो नहीं है जो कि, कि आपसे बाद में लिया जाएगा तो ये सारी चीजें मैंने आपको पीजी के बारे में बताई अब आप डिसाइड करिए कि आपको हॉस्टल ऑप्ट करना चाहिए या पीजी अगर आपने हॉस्टल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आप जाके हॉस्टल का भी वीडियो देखिए और अगर आपने प्रोवाइडर ऐप आप डाउनलोड नहीं किया है आप अभी उसको जाके डाउनलोड करें सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी अगर आपको हॉस्टल डिस्काउंटेड प्राइस पे बुक करना है तो आप वो प्रोवाइडर ऐप से कर सकते हैं और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम लोग उसका बिल्कुल जवाब देंगे